ऑल ओडिशा ईपीएफ पेंशन्स एसोसिएशन रो दुई दिन राज्य सम्मेलन सोमवार दिन पुरी शरदा मंडप ठारे उद्घाटित होइजैछि। ओडिशा रा 30 टी जिल्ला रु 300 रु ऊर्ध प्रतिनिधि एहि सम्मेलन रे जोग दैछन्ती। पुरी रो विधायक जयंत कुमार सडंगी प्रदीप प्रज्वलन करी एहि सम्मेलन को उद्घाटन करथिले। निजर वक्तव्य रे श्री सडंगी देश तथा राज्य रे थिबा 67 लाख ईपीएफ पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक मानकर समस्या रा समाधान लागि उभय केंद्र ओ राज्य सरकार त्वरित पदक्षेप नेबा निमन्ते दाबी करथिले। राज्य संघर साधारण संपादक तथा सर्वभारतीय उपसभापति भाग्यधर ब्रह्मा वार्षिक विवरणी पाठ करते से वक्तव्य में सर्वनिम्न मासिक पेंशन 9000 को वृद्धि करने महंगा भत्ता देवा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश आधार में वर्धित पेंशन प्रदान और समस्त ईपीएफ पेंशन भोगी परिवार को स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लगी राज्य एसोसिएशन तथा सर्वभारतीय एसोसिएशन तरफ केन्द्र सरकार निकट में दीर्घ दिन हेब दाबी होइआसिले केन्द्र सरकार एथिप्रति दृष्टि देउनथिबारु गभीर क्षोभ प्रकाश करने आगामी दिन में सारा भारत वर्ष से ईपीएफ पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक माने परिणत वयस आंदोलन बाध्य बोली चेतावनी देते। सर्वभारतीय ईपीएफ पेंशन संघर कार्यकारी सभापति भीमराव डुंगरे एवं उपसभापति पुंडलिक पांडे एतिथि भाव योगदान करी केन्द्र सरकार पेंशन वृद्धि न कले आगामी दिन में देशव्यापी आंदोलन हो मतव्यक्त करते। भविष्य निधि संगठन सहकारी कमिशनर संजय कुमार रथ मुख्य वक्ता भाव जोगद ईपीएफ पेंशन भोगी माने सामना करथुवा स्थानीय समस्या और से सबुर त्वरित समाधान लागी निया जाउथुवा पदक्षेप संपर्क में सूचना प्रदान करथिले। रंजन कुमार खुंटिया गौरांग पाणिग्राही और विजय कुमार जेना को नहीं गठित सभापति मंडल सम्मेलन को परिचालना करथिले। सजितानंद सामंतराय प्रारंभ में अतिथि परिचय प्रदान करथिले। विनोद कुमार बेहरा और कल्याणीपति रूस युक्रेन युद्ध और दरदाम वृद्धि बाबद दुईट प्रस्ताव आगत करथिले। कृष्णचंद्र साहू विगत वर्ष मानकर आय व्ययर हिसाब पाठ करथिले। 10टी जिल्लार प्रतिनिधि माने वार्षिक रिपोर्ट एवं आय व्ययर हिसाब उपरे आलोचना रे भाग नेथिले। शेषरे बरगड़ जिला सभापति विजय कुमार महांती धन्यवाद देवा परे प्रथम दिनर कार्यक्रम समाप्त होइछि। विघ्नेश्वर पात्र कुंज बिहारी दास सुभाष चंद्र मल्ल आम कारण से ही प्रथम आमको प्रेरणा दे अनुपस्थित आम टे अनुभव करूँ पूरी सम्मेलन होता है कार्यक्रम आम जिला आपण मैंने ग्रहण कर मो ना हूँ कंडूरी चरण सुबुधी आम ऑल इंडिया ऑल ओडिशा ईपीएफ एसोसिएशन रु पुरी जिलार सेक्रेटरी सर कौन कह आज मीटिंग आभिमुख्य कौन आभिमुख्य हूँ आम जो एक्चुअली कौन हो जिते सब नन गवर्नमेंट एम्प्लॉज अच्छे रिटायर्ड होकर अच्छे आम मर जेहतु सरकार चाकरी जी कर 30,000 चाकरी कल से पेनसन पाँच गोटे एम एल जो 3 वर्ष चाकरी रही है से मसक 30,000 पेनसन हूँ तो आम जो नन गवर्नमेंट एम्प्लॉज 30,000 चाकरी रही आमको सरकार 3,000 टाँग भी पेनसन गोटे पाऊ तेणु यही अवस्था आम 40 वर्ष काम कला किए 300 आरंभ कर 1,000-2,000 पाँच तेणु आम मुख्य दाबी हूँ सरकार पाखे आम मिनिमम 9,000 टाँग पेनसन तांगे आम हो महंगा भत्ता मेडिकल बेनिफिट खुशी रहे हूँ आम मुख्य भाग्यधर ब्रह्मा ऑल ओडिशा ईपीएफ पेंशनर एसोसिएशन स्टेट जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया ईपीएफ पेंशनर नेशनल वाइज सम्मेलन आभिमुख्य हो आम सारा भारत बर्षे ईपीएफ पेंशन भोगी 70 लाख संख्या और ओडिशा 2 लाख पेंशन भोगी अच्छा आम मैंने बहुत कम पेंशन पाऊ 1,000 टका तौक आम पेंशन पाऊ 1,000 टका तौक पेंशन पाई आजिकल महंगा जुग में किमती भाव में चलू से सरकार बुझिपना कि आपण मैंने बुझिपे आम मांग रही दाबी रही सरकार जे तुम्हें आम सर्वनिम्न पेंशन 9,000 टका दियो आमको महंगा भत्ता दियो एवं या भितर 2016 मसीह मान्यवर सुप्रीमकोर्ट गोटे निर्देश देते वर्धित पेंशन देवाई सुप्रीमकोर्ट आदेश को तुम्हें मान मानिक आमको अधिका पेंशन दियो ये आम केन्द्र सरकार पाखे दाबी रही राज्य सरकार पाखे रही तुम्हें आमको विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे शामिल करा एवं आमको मागणा चिकित्सा सुविधा दियो एवं आमर अन्यान जो सब रही पाउणा जो मैंने चाकरी करी जाउछन्ति पीएसयू रे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायरमेंट पर पाउणा पाउना से सब दियो ये सब आम विभिन्न दाबी नहीं
आम आज सम्मेलन में सब आलोचना हम आम निष्पत्ति नबु सरकार को आम दाबी आगर बार बार जड़ेचु तीस टी जिले में आमर दाबीपत्र आम राज्य कमिटी तरफ दाबीपत्र आंदोलन करा सत्वे जदि सरकार आम दाबी ग्रहण न करती आज दिन में आम निष्पत्ति नबु तीस टी जिलार जो तीन शह प्रतिनिधि आसी आम सारा ओडिशा केवल नुहे सारा भारत वर्ष ये आंदोलन को तीव्र करू और सरकार को बाध्य करूँ आम दाबी पूरण मानि नापी पूरण कर दामी मैंने आगे मैंने कौन कर आंदोलन करूँ भोट बर्जन करूँ भोट दबुना आम हाथ में जो अमेग अस्त्र रही आमरी भोट पाइक शासन गादी में बसिकी आम पेट को जो आभिमुख्य हो बारंबार दाबी अनुरोध कले केन्द्र सरकार आमर ईपीएस पेंशन वृद्धि करूना दीर्घ चार वर्ष धरी आम पेंशन सर्वनिम्न पेंशन वृद्धि पर आंदोलन जारी रखीचु किंतु केंद्र सरकार जो टाड़टूल नीति रे आम एपर्त आम पेंशन पाईना एथपाई ओडिशा राज्य में लक्षे बास्तरी हजार ईपीएस पेंशनर को एकत्रित करने आम आज ओडिशा राज्य सम्मेलन आह्वान देचु यही सम्मेलन में आम निष्पत्ति देव जातीय स्तर में यही ईपीएस 95 आंदोलन को तीव्रतर कर आमर ईपीएस पेंशन भोगी मानक सर्वनिम्न पेंशन वृद्धि सुप्रीम कोर्ट आधार में हायर पेंशन समस्त ईपीएस पेंशन भोगी को मागणा स्वास्थ्य जोगे देवाई आम दाबी करूछ ए दाबी निश्चित भाव आम हासिल करू ना आम गणतांत्रिक आंदोलन जरिया निष्पत्ति दाबी हासिल।